वेलकम बैक टू माय चैनल जनरली आप सभी ने वीडियो देख ली होगी स्टडी टिप्स एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड आप सभी के उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे मैंने उन सभी रिप्लाई कर दिया जो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका रिप्लाई मैंने नहीं करा उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में है जैसा कि सभी का डाउट है कि सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं तो आप उसकी चिंता मत करिए यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा साथ ही साथ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे सो so, आप इसकी चिंता मत करिए अपने स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए सेकेंड डाउट स्टूडेंट्स के थे साइकोलॉजी कॉगनेटिव से तो अभी साइकोलॉजी में हमारी यूनिट चली एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कागनेटिव कॉगनेटिव एज सच बहुत बड़ा चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए हम उसको सब पहले पढ़ेंगे और मैं उसके इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगी ग्नेटिव के लिए आप टेंशन मत लीजिए जब हम लोग कॉग्नेटिव डिस्कस करेंगे तो आपका चैप्टर यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द आई सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सो नेक्स्ट डाउट था स्टूडेंट का एनॉर्ट फिजो से लेके जो कि दो यूनिट बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है वो आपकी यूनिट है एक्सक्रिट्री सिस्टम नर्वस सिस्टम आप उसकी चिंता मत करिए अभी तो हम लोगों का नवंबर मंथ चल रहा है इस मंथ में हम लोगों ने अपनी साइकोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है एट द लास्ट टाइम अगर मैं बात करूँ हम लोगों की पूरी साइकोलॉजी कम्प्लीट हो जाएगी दिसंबर में हम स्टार्ट करेंगे हमारे अनोर्ट फिजियो के रेस्ट ऑफ यूनिट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम को नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रिटरी दिसंबर में आपका एनॉर्ट फिजियो का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रिविजन क्वेश्चन के साथ इसीलिए आप उसकी टेंशन मत लो आप स्टडी करो अभी हम लोग साइकोलॉजी पे हैं साइकोलॉजी नवंबर में कंप्लीट करने का दिसंबर में एनॉर्ट फिजियो कंप्लीट हो जाएगी हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो भी अपलोड करेंगे आप उसको ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी जनरली हम उसमें डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बी नर्सिंग में एज सच रिपीट हो रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं तो उनके चांसेस है कि वो इस साल भी रिपीट हो आपके बैच के लिए और सबसे खास बात अगर मैं बताऊँ बी नर्सिंग की कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक एज सच इतने इंपॉर्टेंट है जो पहले भी आते थे वो अभी भी आते हैं मेरे टाइम पर भी आते हैं आपके भी टाइम पर आएंगे तो इसके लिए आप बिल्कुल भी वरी मत हुई कि कैसे करना है और सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होता है कि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना एग्जाम में सबसे बेस्ट जो कॉपी का प्रेजेंटेशन होता है कंटेंट सबके पास होता है जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा है ना तो उसको वो तीन से चार मार्क्स प्लस पॉइंट होते हैं मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा था मुझे हर बात इस चीज़ का कॉन्फिडेंट रहता है कि प्रेजेंटेशन की टेंशन मुझे नहीं है क्योंकि जिस तरीके से कॉपी को प्रेजेंट करना होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर कॉपी को प्रेजेंटेशन पर भी डिपेंड रहता है सो so प्लीज़ आप अपनी प्रेजेंटेशन बिल्कुल मत खराब करिएगा अब ज़्यादा प्रेजेंटेशन का ऐसे नहीं है कि बिल्कुल उसमें हम लोगों को आर्ट कॉपी बना देनी जी नहीं वो बिल्कुल वैसे ही रह गई एनॉर्थ फिजो की सोशल साइको के बस एक स्टैंडर्ड एग्जाम कॉपी रहेगी जैसे हम लोग बोर्ड्स कॉपी लिखते हैं ना बोर्ड्स कॉपी हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी सेपरेट बिल्कुल डिफरेंट होती है रेगुलर एग्जाम एग्जाम से UT से से सेम एज एज आपकी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट सो सच आपको भी उसको तरीके से लिखना होता है कि कैसे आप अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो कैसे अपने कॉपी को रिप्रेजेंट कर रहे हो जितना आपने छह महीने में पढ़ा उस सबको आपको उस तीन घंटे में प्रेजेंट करना है तो वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे मैनेज करनी है प्रैक्टिस करनी है और अगर आपका कोई भी डाउट है बी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब कर, कर, कर लीजिए चैनल को थैंक यू